I'm Professor N. D. Chatterjee. Welcomes you all in the 38th lecture of Electrical Measurements. My dear students, we have discussed about the Megger and Earth Tester in the last lecture, right? So this is Megger. We have discussed about its construction, working principle. Then we have discussed about the Earth Tester, its procedure to measure the earth resistance, right? Now in today's lecture, we are going to discuss about the single phase dynamometer type power factor meter. आज के लेक्चर में हम सिंगल फेज डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने डायनामोमीटर टाइप का वैट मीटर का कंस्ट्रक्शन देखा है, ठीक है। तो उसका जैसे कंस्ट्रक्शन था, वैसे ही हमें यहाँ पे सिंगल फेज डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर का कंस्ट्रक्शन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए हैं, आपको जो सिंपल लगे वो आप एग्जाम में निकाल सकते हो डायग्राम, ठीक है। काय काय दिसते डायग्राम मध्ये, इथे सप्लाय दिलेले आपण, ठीक है। इकडे लोड कनेक्ट केलेले असं, राइट। इथे कॉइल आहे आपली, ही ए कॉइल आहे, ही बी कॉइल आहे, ठीक है। दोघा मधला अँगल हा 90 डिग्री आहे। सो दीज आर दी फिक्स्ड कॉइल्स F1 अँड F2। जैसे हमने डायनामीटर टाइप वॅट मीटर में भी दो कॉइल्स देखे थे, फिक्स्ड कॉइल्स F1 एंड F2, ठीक है। और ये जो है आपकी, ये है आपकी मूविंग कॉइल, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर रहेगा आपका, ये आपकी कैलिब्रेटेड स्केल रहेगी, ठीक है। और ये लैगिंग और लीडिंग का यहाँ पे ये दिया है उन्होंने, ठीक है। अगर पॉइंटर इधर है सपोज आपका, तो वो लैगिंग में रहेगा। अगर पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट होता है तो वो लीडिंग में रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये सेम डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लोड कनेक्ट किया है, यहाँ पे सप्लाई देंगे अपन। सिंगल फेज का डायनामीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर है, तो सिंगल फेज सप्लाई देना है यहाँ पे। ये आपका प्लेन ऑफ द रेफरेंस रहेगा, इसमें ये एंगल आपका थीटा रहेगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है और ये आपके यहाँ पे इसमें रजिस्टर कनेक्टेड है। ये कॉइल ए एंड बी है, ठीक है। ये पॉइंटर है आपका और ये आपकी कैलिब्रेटेड स्केल है। पॉइंटर इधर है तो वो लैगिंग में रहेगा, पॉइंटर इधर रहेगा आपका तो वो लीडिंग में जाएगा। ये फिक्स्ड कॉइल्स है आपकी, ठीक है, और ये आपकी मूविंग कॉइल है। तो जो सिंपल लगे आपको एग्जाम डायग्राम, वो आप एग्जाम में निकाल सकते हैं, ठीक है। डायग्राम सोपे आहे दोन्ही पण, ठीक है। मी ऑलरेडी सांगितलेले सब्जेक्ट मध्ये जेवढे काही डायग्राम्स आहेत, त्या सगळ्या डायग्रामची प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं आहे, कारण डायग्राम्स भरपूर आहेत या सब्जेक्ट मध्ये। नाउ विल सी इट्स कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग। सो नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस मीटर। या मीटर मध्ये कंट्रोलिंग टॉर्चची आवश्यकता नाही आहे, गरज नाही आहे कंट्रोलिंग टॉर्चची। सो द करंट फ्लोज इन द प्रेझेन्स ऑफ प्रेशर कॉइल थ्रू लिगामेंट्स ऑफ द सिल्वर। करंट फ्लोज इन द प्रेशर कॉइल, करंट फ्लो होतो इथल्या प्रेशर कॉइल मधून, कसा फ्लो होतो, थ्रू द लिगामेंट्स ऑफ द सिल्वर। जे लिगामेंट्स आहेत सिल्वरचे, त्यामधून करंट आपला प्रेशर कॉइल मधून फ्लो होत असतो, ठीक आहे। यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं है ये मीटर में, और जो करंट तो होता है आपके प्रेशर कॉइल में से, वो वहां के जो लिगामेंट्स है सिल्वर के, उसमें से फ्लो होता है, ठीक। तो करंट फ्लो हो रहा है आपके प्रेशर कॉइल से, ठीक है। वो जो ये वहां पे सिल्वर के लिगामेंट्स है, उसके थ्रू वहां पे करंट फ्लो होता है प्रेशर कॉइल में से, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉइल ए इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर। कॉइल ए जो है, इथे दिसते तुम्हाला, ही कॉइल ए आहे, ही कॉइल आहे, कॉइल आपण काय केलंय, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर कनेक्ट केलेला। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये डायग्राम में भी वही दिखाए, देखो ये कॉइल ए है आणि इथे आपण हा रेजिस्टेंस कनेक्ट केलेला, ठीक।
है. सो कॉइल ए इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस. ये जो कॉइल ए है उसके सीरीज में ये नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया है. यहाँ पे भी वो ये कॉइल ए के सीरीज में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है आर, सो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा अभी, ठीक है, ये कॉइल ए में से जो करंट फ्लो होगा वही करंट आपका रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होगा क्योंकि ये अभी दोनों सीरीज में है. तो वो करंट आपके सप्लाई वोल्टेज के इन फेज में रहे, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में हमें मालूम है करंट एंड वोल्टेज इन फेज में होते हैं. तो उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस आर में से जो करंट फ्लो हो रहा है आपका, यानी कॉइल ए में से जो करंट फ्लो हो रहा है आपका आई ए, वो और सप्लाई वोल्टेज क्या रहेंगे आपके, इन फेज में रहेंगे. ठीक है, ये है आपका सेकंड पॉइंट. मतलब कॉइल ए जी दिसते आपल्याला, या कॉइल ए च्या सीरीज मध्ये एक नॉन इंडक्टिव्ह रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे आपण आर, ठीक आहे, आणि त्यामुळं जो करंट फ्लो होणार आहे आपल्या कॉइल ए मधून तोच करंट आपल्या रेजिस्टन्स आर मधून फ्लो होईल. म्हणजे आय ए हा करंट इथल्या सप्लाय व्होल्टेजच्या इन फेज मध्ये असणार आहे, कारण आर कनेक्ट केल्यामुळं, रेजिस्टन्स कनेक्ट केल्यामुळे इथं ते रजिस्टिव्ह सारखं वर्क होईल. आणि रजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये करंट आणि व्होल्टेज कसे असतात, इन फेज, माहित आहे आपल्याला. ठीक आहे, नाउ द कॉइल बी इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ अ हायली इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स एल. जो कॉइल बी है उसके सीरीज में, यहाँ पे देखो ये दोनों डायग्राम में ये कॉइल बी है आपके, इसके सीरीज में यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्टेड है. ठीक है, ये कॉइल बी है आपकी, इसके सीरीज में यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है. ठीक है, हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल रहेगा. वो कॉइल बी जो है वो सीरीज में कनेक्ट किए है हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस एल के. ठीक है, सो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू इट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा अभी कॉइल बी में से, ठीक है, ये कॉइल बी में से जो करंट फ्लो होगा वही करंट आपका ये नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस एल से भी फ्लो होगा, यानी वो आपका आई बी करंट होगा. सो ये आई बी करंट आपका इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से कैसे होता है, लैगिंग कंडीशन में. ठीक है, त्यामुळे हा आई बी करंट हा सप्लाय व्होल्टेजच्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये असेल, कारण हे इंडक्टिव्ह सारखं वर्क होणार आहे सर्किट. ठीक आहे, त्यामुळे आय बी जो करंट फ्लो होतोय कॉइल बी मधून तोच करंट आपला एल मधून फ्लो होणार आहे, इंडक्टन्स मधून फ्लो होणार आहे या. ठीक आहे, आणि हा इंडक्टर बीच्या कॉइल बीच्या सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे, त्यामुळं आय बी हा करंट तिथल्या सप्लाय व्होल्टेजच्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये असणार. किती डिग्री लॅगिंग मध्ये असणार आहे, 90 डिग्री. क्लियर आहे. नाउ द कॉइल सिस्टीम ऑफ ए अँड बी टेक्स अप द पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ज्या कॉइल सिस्टीम्स आहेत आपल्या ए आणि बी च्या, ठीक आहे, हे जे कॉइल सिस्टीम आहे ए आणि बी च्या, त्या काय करतात, इक्विलिब्रियम पोझिशन तिथं घेतात आणि त्यामुळे त्याचे टॉर्क्स काय होतात, इक्वल होतात. ठीक आहे, जो कॉइल्स आहे, कॉइल सिस्टीम है ए अँड बी के, वो क्या करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे लेते हैं वो, उसकी वजह से वहां के जो टॉर्क्स है वो इक्वल में आते हैं. ठीक है, सो एट दिस द एंगुलर पोजीशन ऑफ क्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज द पावर फैक्टर एंगल फाई. ठीक है, ये पोजीशन में जो एंगुलर पोजीशन है आपकी, एट दिस एंगुलर पोजीशन क्यू ऑफ ए, एंगुलर पोजीशन जो है आपकी, ये एंगुलर पोजीशन जो है आपकी ए की, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगुलर पोजीशन जो है ए की, उसमें जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका पावर फैक्टर एंगल फाई या फिर थीटा. यहाँ पे थीटा डिनोट किया है, तो ये दोनों में एंगल कितना होगा आपका, फाई या फिर थीटा. ठीक है, सो एट दिस द एंगुलर पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज द पावर फैक्टर एंगल फाई. क्लियर है, समझ में आया.
ये है आपका सिंगल फेज पावर डायनामोमीटर टाइप का पावर फैक्टर मीटर, क्लियर है। पावर फैक्टर मीटर पे हम पावर फैक्टर मेजर करते हैं, जैसे हमने वाट मीटर पे पावर मेजर की थी, ठीक है। एनर्जी मीटर पे हमने एनर्जी मेजर की है, देन एमीटर वोल्ट मीटर पे हमने करंट एंड वोल्टेज को मेजर किया, वैसे ही यहाँ पे डायनामीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर पे हमें क्या मेजर करना है, पावर फैक्टर। तो उसकी वजह से जो फाइनल यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि एट दिस एंगुलर पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन के विथ रिस्पेक्ट टू ये जो एंगुलर पोजिशन रहेगी कॉइल ए की, उसमें जो एंगल रहेगा ये एंगल वो रहेगा आपका फाई या फिर थीटा, क्लियर है। तो कॉस फाई या फिर कॉस थीटा ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, तो वहां पे हमें पावर फैक्टर एंगल यानी फाई की वैल्यू मिलेगी, तो हम वहां पे पावर फैक्टर इजीली मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल फेज का डायनामीटर टाइप का पावर फैक्टर मीटर। अभी जैसे सिंगल फेज का है वैसे थ्री फेज का भी होता है, ठीक है, डायनामोमीटर टाइप थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 1, 2 एंड 3 टर्मिनल्स, यानी आपके ये तीन फेजेस रहेंगे, 1, 2, 3, ठीक, आर वाई या बी वी दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉइल है आपकी, ये मूविंग कॉइल है, यहाँ पे ए कॉइल है, यहाँ पे बी कॉइल है, ठीक है। अभी ये पॉइंट रहे आपका, ये प्लेन ऑफ रेफरेंस है, इसमें जो एंगल रहेगा वो थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है आपका कॉइल ए एंड पॉइंटर में वो 60 डिग्री है, और ये दोनों कॉइल्स में भी एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे जो कॉइल ए है उसके सीरीज में फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और कॉइल बी जो है उसके भी सीरीज में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये टर्मिनल्स बाद में ही यहाँ पे लोड को दिए हैं, ठीक है। तीन टर्मिनल, ये एक टर्मिनल है यहाँ का, ये दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये तीसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये लोड है। सिमिलर डायग्राम यहाँ पे दिख रही है आपको, ये तीन टर्मिनल्स है, 1, 2, 3, यानी ये टू फेजेस के सप्लाई टर्मिनल्स रहेंगे, जिसको आप आर वाई बी से भी डिनोट कर सकते हो। ये फिक्स कॉइल है आपकी, ये मूविंग कॉइल है, ये प्लेन ऑफ द रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल दोनों में 90 डिग्री है, ठीक है। अभी ये कॉइल बी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और कॉइल ए के भी सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और इसके जो तीन टर्मिनल्स हैं आपके, ठीक है, ये तीन टर्मिनल आपके लोड को कनेक्टेड है, ये आपका पॉइंटर रहेगा और ये कैलिब्रेटेड स्केल रहेगा, ठीक है। पॉइंटर जिधर जिधर आपका पॉइंटर मूव हो जाएगा उसके हिसाब से आप वहाँ का पावर फैक्टर लीडिंग में है या फिर लैगिंग में है वो बोल सकते हो, ठीक है। ये थ्री फेज डायनामीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर की डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। नाउ इसका हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू फिक्स्ड कॉइल्स, दैट इज करंट कॉइल्स, एंड टू मूविंग कॉइल्स, दैट इज प्रेशर कॉइल्स, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे दो करंट कॉइल्स हैं, ठीक है, यानी फिक्स्ड कॉइल्स हैं, ठीक है। ये एक करंट फिक्स्ड कॉइल है और ये दूसरी फिक्स्ड कॉइल है, और दो मूविंग कॉइल्स हैं यहाँ पे ए एंड बी, जैसे है यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू फिक्स्ड कॉइल्स यानी करंट कॉइल्स, एंड टू मूविंग कॉइल्स यानी प्रेशर कॉइल्स, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ऐसा मतलब दोन फिक्स्ड कॉइल्स आए चला अपन करंट कॉइल्स मत ले रहे, एंड दोन मूविंग कॉइल्स आए चला अपन प्रेशर कॉइल्स मत ले रहे। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर कॉइल इज 120 डिग्री। दोन प्रेशर कॉइल मतलब जो फेज डिफरेंस आए तो कितना है आपको 120 डिग्री, ठीक है। तो फेज डिफरेंस आए प्रेशर कॉइल मतलब तो कितना है आपका 120 डिग्री। प्रेशर कॉइल म्हणजेच मूविंग कॉइल आणि फिक्स्ड कॉइल म्हणजेच करंट कॉइल, ठीक आहे। तर हा 60 आणि हा 60 किती झाला आपला 120 डिग्री, क्लिअर आहे। तो फेज डिफरन्स बिटवीन द टू प्रेशर कॉइल किती आहे आपला 120 डिग्री। तो इन सिरीज विथ द प्रेशर कॉइल ए द रेजिस्टन्स आर ए इज कनेक्टेड
एंड कॉइल इज कनेक्टेड बिटवीन आर एंड वायलर, ठीक है, या प्रेशर कॉइल ए च्या सीरीज मध्ये आपण रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे, ठीक है, आर ए, आणि ही कॉइल आपण कुठं कनेक्ट केलेली, ही कॉइल आपण आर आणि वाय मध्ये कनेक्ट केली, ठीक है, आर एंड वाय सप्लाय लाइन्स मध्ये कनेक्ट केलेली आहे आपण ही कॉइल, ठीक है, हे आर टर्मिनल असेल आणि हे आपलं वाय टर्मिनल असेल, ठीक है, या दोन आर वाय आणि बी हे जे टर्मिनल्स आहेत त्या आर आणि वाय टर्मिनल्स मध्ये आपण ही कॉइल कनेक्ट केलेली ए, ठीक आहे, आणि त्याच्या सिरीज मध्ये हा रेजिस्टन्स आर ए कनेक्ट केलेला आहे, क्लिअर आहे. तो व्हाइल कॉइल बी हॅज अ रेजिस्टन्स आर बी, हा जो रेजिस्टन्स आहे तो आहे आर बी, ठीक आहे, हा आर ए रेजिस्टन्स आहे, हा आर बी रेजिस्टन्स आहे, हा आर बी रेजिस्टन्स आपण कॉइल बी च्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला, ठीक है, जो आर बी रेजिस्टेंस है वो कॉइल बी के सीरीज में कनेक्टेड है एंड इज कनेक्टेड बिटवीन आर एंड बी लाइन, और वो किस में कनेक्टेड है, आर एंड बी लाइन्स में कनेक्टेड, ठीक है. ये जो टर्मिनल है अपना एक्चुअली यहाँ पे जो आर ए का जो रेजिस्टेंस है वो इसका टर्मिनल, ये आपके तीन टर्मिनल्स है आर वाई एंड बी, तो ये टर्मिनल यहाँ पे ही कनेक्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ये डायग्राम में, ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस आर का वो यहाँ पे ही कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि ये आर एंड वाई टर्मिनल्स में कनेक्टेड है, और ये जो कॉइल बी है और इसमें इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस आर भी कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है आपके आर में, ठीक है, ये आर में और वहाँ के बी पर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ये डायग्राम में, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना है आपको, ठीक है. तो हियर व्हाइल कॉइल बी हैज अ रेजिस्टेंस आर बी, कॉइल बी का रेजिस्टेंस काय आपला आर बी, तो सीरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे आपण बी कॉइलच्या आणि तो करेक्ट केलेला आहे आपण दोन लाईन्स मध्ये आर आणि बी मध्ये, आणि नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोव्हाइडेड, तिथं कुठलाही कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोव्हाइड केलेला नाही. सो द टॉर्क एक्झर्टेड ऑन कॉइल ए इज इन अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टॉर्क ऑन द कॉइल बी. जो टॉर्क एक्झर्ट होणार आहे तिथल्या कॉइल ए वरती, ठीक आहे, जो टॉर्क एक्झर्ट होणार आहे तिथल्या कॉइल ए वरती तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असणार आहे तिथल्या कॉइल बी वरती, जो टॉर्क प्रोड्यूस होणार आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तो टॉर्क असणार, ठीक आहे, जो टॉर्क एक्झर्ट हो रहा है आपके कॉइल ए पे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो कॉइल बी पे जो टॉर्क एग्जर्ट होगा उसके उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक. देन नेक्स्ट, व्हेन बोथ द टॉर्क बिकम्स इक्वल, जब आपके दोनों टॉर्क इक्वल बन जाएंगे देन द मूविंग सिस्टम बिकम स्टेशनरी, सॉरी द मूविंग सिस्टम आपकी क्या बन जाएंगी, स्टेशनरी बन जाएगी, ठीक है, तो दोनों टॉर्क जब आपके इक्वल में आ जाएंगे तब मूविंग सिस्टम आपकी स्टेशनरी बन जाएंगे एंड मीटर शोज पावर फैक्टर ऑफ द लोड ऑन द स्केल, तब आपका मीटर क्या करेगा वहां का जो पावर फैक्टर है लोड का वो स्केल के ऊपर वो मीटर शो करेगा, ठीक है, पावर फैक्टर शो करेगा वहां. तो ये है आपका थ्री फेज का डायनामोमीटर टाइप वैट पावर फैक्टर मीटर का कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग, ठीक है. तो ये दोनों, इसमें कुछ डाउट है आपको, ठीक है, ये सिंगल फेज डायनामीटर टाइप पावर फैक्टर वाट मीटर एंड हमने दूसरा देखा डायनामीटर टाइप थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, ये दोनों में कुछ डाउट है आपको तो आप ये पूछ सकते हैं. सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच.